हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आयशा, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे आई विल कंटिन्यू थर्ड चैप्टर एकलव्य ऑफ क्लास एट्थ। नाउ स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। डे आफ्टर डे ही टुक हिज बो एंड एरो, वर्शिप द स्टैचू ऑफ द्रोणा एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। लगातार कई दिनों तक वो अपनी पहले एरो लेता, तीर और कमान लेता, अपने स्टैचू की पूजा करता, जो गुरु रुद्राचार्य का स्टैचू उसने बनाया था उसकी पूजा करता और फिर अपना अभ्यास शुरू कर देता। इन टाइम फेथ, करेज एंड परसरवेरियंस ट्रांसफॉर्म्ड एकलव्य द मेड ट्राइबल हंटर इनटू एकलव्य द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्चर। समय, साहस और निरंतर अभ्यास ने जो एक साधारण ट्राइबल हंटर एकलव्य था उसको एक असाधारण तीरंदाज एकलव्य में बदल दिया। एकलव्य बिकेम एन आर्चर ऑफ एक्सेप्शनल प्रोविस, सुपीरियर इवन टू द्रोणास बेस्ट पीपल अर्जुन। अर्जुन जो था वो, सॉरी, एकलव्य जो था वो एक बहुत ही अच्छा, शानदार, जो है कौशल उत्कृष्ट तीरंदाज बना, जो कि जो द्रोणा का जो सबसे अच्छा शिष्य अर्जुन था उससे भी कहीं अच्छा। वन डे व्हाइल एकलव्य वॉज प्रैक्टिसिंग, एक दिन जब एकलव्य अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, ही हर्ड अ डॉग बार्किंग, उसने सुना एक कुत्ता जो है वो भौंक रहा है। एट फर्स्ट द बॉय इग्नोर्ड द डॉग, पहले तो उसने उस कुत्ते को इग्नोर किया, बट कॉन्टिन्यूस डिस्टर्बेंस इन हिज प्रैक्टिस एंगर्ड हिम, लेकिन उसकी प्रैक्टिस, कुत्ते के भौंकने की वजह से उसकी प्रैक्टिस में लगातार जो डिस्टर्बेंस हो रही थी उससे उसको गुस्सा आ गया। ही स्टॉप्ड हिज प्रैक्टिस एंड वेंट टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द डॉग वॉज बार्किंग, उसने अपनी प्रैक्टिस को रोका और वो उस तरफ आगे बढ़ा जहाँ पर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी या कुत्ता जहाँ भौंक रहा था। बिफोर द डॉग कुड शट अप और गेट आउट ऑफ द वे, एकलव्य फायर्ड 7 एरोज इन अ रैपिड सक्सेशन टू फिल द डॉग्स माउथ विदाउट इंजरिंग इट। इससे पहले कि कुत्ता जो है वो भौंकना बंद करता या वहाँ से जो है वो भागता, एकलव्य ने बहुत तेज़ी से जो एक के बाद एक जो तीर उसने जो है वो चला के कुत्ते के मुंह को बिना कोई इंजरी दिए, बिना कोई ज़ख्म दिए जो है उसके कुत्ते के मुंह को उसने भर दिया। एज अ रिज़ल्ट इट रोम्ड द फॉरेस्ट विद इट्स माउथ ओपन। एज अ रिज़ल्ट वो जो है पूरे जंगल में अपने खुले हुए मुंह के साथ जो है वो कुत्ता घूम रहा था। बट एकलव्य वॉज नॉट अलोन इन हिज प्रैक्टिस, लेकिन एकलव्य अपनी प्रैक्टिस में अकेला नहीं था। ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट जस्ट सम डिस्टेंस अवे, वो इस बात से अनअवेयर था, अनभिज्ञ था कि इस वास्तविकता से कि जहाँ पे वो है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर द पांडवास प्रिंसेस वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द दैट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, वो उस जंगल के उस एरिया में थोड़ी दूर पर उससे प्रेजेंट थे। एज फेट वुड हैव इट दैट डे दे हैड कम विद देयर टीचर द्रोणा, और उस दिन जो है वो लोग अपने टीचर द्रोणा के साथ वहाँ पर आए हुए थे, हु वॉज इंस्ट्रक्टिंग देम अबाउट सम फाइनर पॉइंट्स ऑफ आर्चरी बाई मेकिंग देम लर्न इन द रियल लाइफ कंडीशन ऑफ द ओपन जंगल, जो कि उन्हें जो है कुछ आर्चरी के, तीरंदाजी के कुछ फाइनर पॉइंट्स जो है वो सिखा रहे थे कि रियल लाइफ की, जब ओपन जंगल में वो जाएंगे, रियल लाइफ में जो कंडीशंस होंगी तो वो किस तरह से आर्चरी करेंगे, वो यह हुनर उनको सिखा रहे थे।